सागर के ग्राम कोपरा में देवरानी जिठानी नानी और नातिन की मौत के मामले में सोमवार को ग्रामीण और लोधी समाज के लोगों ने देवरी एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए घटनाक्रम के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। समाज के लोगों ने कहा कि एक माह पहले घर की छोटी बहू लक्ष्मी लोधी ने जहर खाकर सुसाइड किया था, जिसमें उसके मायके पक्ष के लोगों ने मृतिकाओं और उनके परिवार वालों पर प्रकरण दर्ज कराया था, जिसके बाद से वह लगातार परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। 20 लाख रुपए नगद 5 एकड़ जमीन की मांग कर डरा धमका रहे थे। घटना दिनांक को भी बाबूपुरा के लोग कोपरा आए थे और उन्होंने परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज कर धमकाया था, जिसमें गांव के लोग मामले के साक्षी हैं। ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गढ़ाकोटा के बाबूपुरा निवासी मृतका छोटी बहू के मायके पक्ष के करीब एक दर्जन लोग और कोपरा एवं शाहपुर निवासी उनके रिश्तेदार आए थे। ग्राम कोपरा में मृतिका को डरा धमका रहे थे, झूठी रिपोर्ट करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इन्हीं कारणों के चलते परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। समाज के लोगों ने कहा कि 7 दिन में पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती तो आगे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल बीते दिनों सागर के ग्राम कोपरा में 13 सितंबर को देवरानी जिठानी नानी और नातिन के शव कुएं में मिले थे, जिसमें देवरानी जिठानी के शव कुएं में फंदे पर लटके मिले थे और नानी एवं नातिन का शव पानी में तैरता हुआ मिला था, जिसके बाद पूरे गांव एवं क्षेत्र में सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया था। दिल दहला देने वाली इस घटना की पूरे मामले में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देवरी एसडीओपी शशिकांत सरियाम ने बताया कि मामले में जांच चल रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है? जो दिनांक 13 को जो घटना हुई थी उसमें आज ग्रामवासियों द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि मामला अभी जांच में है, मर्ग कायम कर उसमें जांच की जा रही है। साक्ष्य अनुसार जो तथ्य आएंगे उसकी निगरानी कार्रवाई की जाएगी। क्या है, अभी परसों हमारे गांव में 3 महिलाएं एक बच्ची से 4 जाने चली गई, 4 जाने चली गई। इस कारण से आए हम लोग कि आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं भाई, कार्रवाई एक हफ्ते के भीतर नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। क्या लग रहा, कैसे हुई थी इन लोगों की मौत? मौत हुई एक माह पहले, जो महिलाएँ ख़त्म हो गई, इनकी देवरानी ने सुसाइड कर लिया था एक माह पहले, तो वो ख़त्म हो गए। इनके मायके वालों ने नाजायज फायदा उठाते हुए इन लोगों को फंसाया, देव जिठानी को, जेठ को, और इन लोगों को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। तो सारा दारो मरार मायके वालों के ऊपर किया जाए। पैसों की भी मांग कर रहे थे, पैसों की मांग कर रहे थे और जमीन जायदाद की मांग। तो इन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, उतनी जमीन जायदाद भी नहीं थी जितने जे मांग रहे थे। इस कारण से 20 लाख रुपए की डिमांड और 6 एकड़ जमीन, 5 एकड़ उनके पास और 20 लाख रुपए है नहीं। जैसे उन महिलाओं को जानकारी लगी कि इतनी हमारे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है जितनी वो मांग रहे, तो इस कारण से उनके दबाव मत दें, इन लोगों ने कदम उठा लिया। उधर पर हो जाए खड़े जी, ऊपरा ग्राम में जो घटना हुई थी 13 तारीख में, उसके संबंध में हम लोग चाहते उचित उचित कार्रवाई, जल्दी कार्रवाई हो। पूरा क्षेत्र डरा सहमा हुआ है और इससे आए थे आज TI साहब को, SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए कि जल्दी से जल्दी उचित उचित कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनके ऊपर जल्दी जल्दी एक्शन लिया जाए। नाम भी लिख के दिए हैं आप लोगों ने? नाम लिए गए, उनके नाम साक्ष्य हम लोग के इधर जो प्रताड़ित करते थे उनके पहले साक्ष्य हैं सबके नाम। दबाव था उन पर, बहुत ज़्यादा दबाव था परिवार पर, दबाव में आके जो घटना घटी है उनके ऊपर उसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से जाए। क्या नाम है आश्वासन मिला आपको? आश्वासन 2 दिन का बोला है हम लोग से, आज अगर 2 दिन के अंदर और कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग और भी अपने तरीके से आंदोलन किया, जो भी होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ब्रजेश राय, कोपरा।